अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त स्टाइलिश शर्ट की डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कॉटन फैब्रिक में है। उम्मीद करती हूँ कि आज की कलेक्शन आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। व्यूअर्स, वाकई आज की डिज़ाइनिंग ज़बरदस्त है। ये देखें कि किस तरह से आप इन पर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। शीशा वर्क वाली भी हम आपको दिखाते हैं कि इनके ऊपर किस तरह से कर सकते हैं। टसल्स लगाना चाहें टसल्स लगा लें, कुछ होते हैं कि वो फिटिंग वाली शर्ट पहनना चाहते हैं तो वो बना लें। स्लीव्स पर भी आप पिनटेक्स प्लेट बना लें और दामन में बनाना चाहें, शर्ट पर बनाना चाहें तो शर्ट पर भी बना लें। व्यूअर्स, नेक लाइन पर भी आप मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, स्लीव्स की भी कर सकते हैं। इस तरह से जैसे ब्लैक हम आपको दिखा रहे हैं, ओपन बनाना चाहें ओपन शर्ट वाला तो ओपन शर्ट वाला भी अच्छा लगेगा। इस तरह से हम आपको दुपट्टा भी दिखाते हैं ताकि आपको कलर कॉम्बिनेशन का पता चल जाए कि किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये डिज़ाइनिंग भी कितनी ज़बरदस्त है। इस तरह से आप लेसिस से इजीली डिज़ाइनिंग कर सकती हैं जो मार्केट से इजीली मिल जाती हैं, और अगर आप कटिंग या स्टिचिंग में एक्सपर्ट हैं तो इस तरह की डिज़ाइनिंग तो आप इजीली कर सकती हैं। व्यूअर्स, ये देखिए जैसे लूप्स बनाकर लूप्स अटैच कर दिए गए हैं, इससे भी डिज़ाइनिंग हो जाती है। ब्लैक कलर में आप चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग देखें तो ब्लैक कलर में हम आपको लिए मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग लेकर आते हैं ताकि आप इनको देख सकें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगे। ढेर सारी दुआओं में, ढेर सारी खुशियों में याद रखना, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, लंबी उम्र दे, हमें भी इस काम में तरक्की दे, बरकत अता फरमाए जो हम कर रहे हैं। व्यूअर्स, हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। अल्लाह हाफिज़।